हेलो फ्रेंड्स, नंदनी कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले भिंडी से बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े। तो चलिए, हमने भिंडी को बारीक कट कर लेना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एकदम बारीक, जितना बारीक काट सको उतना बारीक काट लेना है। तो चलिए हम कट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है पूरी भिंडी को, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से कट किया है। अब इसमें हम हरी मिर्च को बारीक कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया हुआ है। अब हमने एक बाउल में रख देना है इसे, और इसमें हमने नमक मिक्स कर देना है स्वाद अनुसार। नमक, हल्दी पाउडर डाल देना है, हमने जीरा पाउडर डाला है 1 चम्मच, और इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालना है, और धनिया पाउडर डाल देना है, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है फ्रेंड्स, और इसमें हमने चावल का आटा डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं 5 से 6 चम्मच हमने बेसन डाला हुआ है, उसे खूब अच्छे से दबा दबा कर मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा तेल डालकर और अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि भिंडी चिपचिपा होता है तो थोड़ा हाथ में चिपक जाता है तो कोई नहीं, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची इसका पकौड़ा होता है। थोड़ा सा हमने अजवाइन डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे हाथ की मदद से इसे गोल गोल छोटा छोटा दबा दबा कर इसे बना लेना है टिक्की की तरह। तो चलिए हमने इसे तल देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कैसे तल देते हैं हम इसे। तो हमें एक एक करके इसे रख देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें अब इसे हमें पलट लेना है। तो देख सकते हैं कितनी मस्त दिख रही है, एकदम क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी, और इसका स्वाद लाजवाब होता है फ्रेंड्स। एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखें फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हमारे पकौड़े तलकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया इसका कलर आया हुआ है, बहुत ही टेस्टी।